चले। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है ICER 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है बेटा। बायोलॉजी क्वेश्चन देखो पहला क्या है। ए स्कॉर्पियन स्टार्ट किल्स एंड देन ईट ए स्पाइडर बेस्ड ऑन इट्स बिहेवियर विच इकोलॉजिकल टर्म डिस्क्राइब द स्कॉर्पियन। ठीक है ना, कह रहे एक बिच्छू है वो मकड़ी को मारकर खा जाता है, तो कह रहा है इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उसके लिए फिट बैठता है। तो मारकर खा रहा है तो प्रीडेटर है, और ठीक है ना, किसी को दूसरे को मार हर भी किसी दूसरे को मारकर खा रहा है तो कार्निवोर भी है, और कार्निवोर भी है तो जितने भी हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर जो किसी को खाते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर। तो ऑप्शन हो गया थर्ड, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, तो प्रीडेटर मारकर खाया जिंदा को इसलिए, ठीक है ना, दूसरे को फीड किया इसलिए कार्निवोर है, ठीक है ना, और कंज्यूमर जितने भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं उनको सबको बोला जाता है कंज्यूमर। ठीक है, पहला। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू, जैसे अपने ठीक है ना माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड वैसे ही होती है स्नेक में, ठीक है ना, ये पॉइजनस ग्लैंड। तो बोला जाता है जो अपने यहाँ लार अपने यहाँ जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है पैरोटिड ग्लैंड, भाई स्नेक में पॉइजन ग्लैंड में मॉडिफाइड हो जाती है, तो एक तरह की सलाइवरी ग्लैंड सी पॉइजनस ग्लैंड का काम करती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ दी बर्टी ब्रेट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्टिब्रेट इन द करेक्ट वर्टिब्री सॉरी वर्टिब्रेट नहीं वर्टिब्री इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो बोलो सबसे ऊपर है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, क्वाड्रल, सेक्रल, CTLSC, ठीक है ना। तो अब भाई इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, सी कहाँ पर है, सर्वाइकल, डी, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, चलो इधर चलते, तब सबसे पहले आ जाएगा डी, सर्वाइकल के बाद कौन आ जाएगा, ए, और फिर सर्वाइकल के बाद आ जाएगा लंबर। बस इससे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, इतने ही ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी ए बी। चलो भाई डी ए बी कोई है ऑप्शन, एसटी हो गया, बस मैचिंग। देखो एक बार क्वेश्चन बता दें, एक कब जब भी एग्जाम करना, मैचिंग और ये अरेंज वाले क्वेश्चन, इसमें कभी पांचों मैच करने की और पांचों अरेंज करने की कोशिश मत करना, टाइम खराब होगा, ठीक है ना। मैचिंग वाले में जो होते हैं केवल दो मैच कर लो बस, ऑप्शन चेक करने लगो, उसके बाद कोई ना कोई ऑप्शन होगा वो मैच कर जाएगा। और अरेंज करने वाले में भी दो अरेंज कर लो, दो नहीं ज्यादा, मान लो दो तो सेम भी हो सकते हैं, जैसे ठीक है ना, अब यहाँ तो नहीं सेम दिया गया है लेकिन कभी कभी क्या होता है दो सेम हो जाते हैं दो, तो एटलीस्ट तीन चेक कर लो, पांच की चेक करने की कोई जरूरत नहीं। हो गया तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, पहला वाला दैट इज ठीक है ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और क्वाड्रल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें हमने देखा है पेपर एनसीईआरटी में इतने घुस के पूछ लिए गए हैं, बच्चे क्या टीचर की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है इनसाइड होती है आउटसाइड, आउटसाइड माउंटेन नहीं है कि ऊपर से आके मिट्टी जमा होती रहेगी, तो ग्रोथ हमेशा इनसाइड होती है लिविंग में, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बोला आउटसाइड, ठीक है ना, जैसे लकड़ी का दरवाजा फूल जाता है तो वो सरफेसियल फिनोमिना है, आउटसाइड से निर्जीव चीजों में नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड होती है, लिविंग में हमेशा इनसाइड, तो ये गलत हो गया ना बेटा। ठीक, पहला, देयर रिप्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाई फोटो पीरियड, बिल्कुल सही बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा एनिमल आएंगे या प्लांट्स आएंगे या माइक्रोब्स आएंगे, सब आएंगे ना, ठीक है ना। तो प्लांट्स में जो फ्लावर फॉर्मेशन होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, और जो फ्लावरिंग होती है वो लाइट के इंटरवल पर डिपेंड करती है, जो सर्दी में फ्लावरिंग करते हैं प्लांट इसका मतलब उनको कम लाइट चाहिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट, और जो गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं उनको मतलब है उसको ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो फिनोमिना है वो लिविंग्स में फोटो पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है।
अब भाई लिविंग का मतलब यहाँ आप केवल एनिमल प्लांट की बात नहीं, एनिमल और प्लांट की बात नहीं सोचोगे, सबके बारे में सोचना है, तो यहाँ पर प्लांट आ जाएंगे कि नहीं? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया आपका। कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस का मतलब है, ठीक है ना, जैसे किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पोंड करना कहलाता है कॉन्शसनेस। जैसे मच्छर काट रहा है या तो उड़ाओगे या मारो, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स दिया कि नहीं स्टिमुलस, इसको बोलते हैं कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, चाहे वो प्रोटोजोआ का मेंबर हो, चाहे कॉर्डेटर, चाहे वो लोअर हो, चाहे। लेकिन सेल्फ कॉन्शसनेस ये केवल और केवल, ठीक है ना, ह्यूमन में ही पाई जाती है और किसी में नहीं। जैसे मान लीजिए एक, ठीक है ना, ये कमरा बना हुआ है और कमरे के बगल से इधर निकला हुआ है नाला, क्या निकला हुआ, नाला, ठीक है ना। अब हमने तुमको बंद कर दिया कमरे में और एक सुअर को बंद कर दिया, दोनों को साथ साथ। अब हमने कह दिया पानी नहीं देंगे बेटा, बाकी बाहर से लगा दिया ताला, ठीक है ना, कि बाकी सब कुछ देंगे। तुमने कहा भूख लगी, हमने 1 किलो जलेबी दी, हमने कहा आधा किलो तुम खा लेना, आधा किलो बगल में सुअर है उसको खिला देना, ठीक है ना। तब तुम कह रहे खाना खाने के बाद, वो जलेबी खाने के बाद, क्या हमें पानी भी चाहिए। तो हमने कहा पानी पहले ही बोल दिया था, शर्त है पानी नहीं मिलेगा खाना। अब तुम 10-12 घंटे बाद फिर तुमको भूख लगी, तुमको खाना दो, फिर हमने भाई 1 किलो जलेबी, आधा किलो तुम्हें, आधा किलो, ऐसा कार्यक्रम 2 दिन तक किया। 2 दिन बाद जब हम ताला खोलेंगे तो तुम क्या हालत होगी, सुअर कहाँ जाएगा, नाले में, तुम भी नाले में जाओगे, नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो पानी कैसा है, गंदा है। तो दैट इज कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब किसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना और सोचना समझना कि ये चीज अच्छी है ये गलत है, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शसनेस। सेल्फ कॉन्शसनेस हर एक में होती है, सेल्फ कॉन्शसनेस केवल और केवल ह्यूमंस में होती है। तो कॉन्शसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग बिल्कुल सही है, कोई भी लिविंग है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ठीक है ना, वो बेटा हर एक स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। जैसे प्लांट है, धूप ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन करेंगे, तो ये रिस्पॉन्स ही तो है, तो हर एक में ये पाया जाए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन देम। सही बात है, अगर ग्रोथ रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन होगा तो बेटा सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ भी होगी, और ग्रोथ होगी तो ग्रोथ हो रही तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ये म्यूचुअल इवेंट्स होती हैं दोनों में। तो ऑप्शन आपके कौन से सही हो गए बेटा, बी सी एंड डी, समझ गए कि नहीं? ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये दिख रहा है सर? ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला, गिवन, बिलो, इस पेपर में बच्चा बड़ा लकी रहा होगा, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हमने देखे, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, बस एक ही ऑप्शन है सब में, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, सुनो, एनर्जी इज फ्लो ग्रेटली रिड्यूस्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जब हम तुमको पढ़ाएंगे क्या इकोसिस्टम, तो वहां बताएंगे कि सबसे पहले एनर्जी बनाता कौन है नेचर में, प्लांट, और प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्लांट प्रोड्यूसर इनको खाएंगे कौन, हर्बीवोर। तो हर्बीवोर जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर भी बोला जाता है, ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर। और इसको खाएंगे बेटा कार्निवोर, तो कार्निवोर को बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको खाएंगे बेटा टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर को टर्सरी या क्वाटरनरी कंज्यूमर बोला जाता है, ये समझ गए कि नहीं। अब ये मर जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी, इसको इसके वो डिकम्पोजर आएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जो इसकी एनर्जी है वापस से फिर से सॉइल में रिलीज करा देंगे, ठीक। अब इसने ये क्वेश्चन पूछा, इसके पास बेटा अगर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है तो आपको पता होना चाहिए केवल और केवल 10% ही अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, दैट इज नोन एज 10% लॉ, समझ रहे। तो 90% कहां गई, या तो इसके अंदर स्टोर्ड रही, या ये मरेगा तो रिलीज कर देगा, या फिर एनवायरनमेंट में ऐसे, ठीक है ना, हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो ये कह रहा है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से सक्सेसिव का मतलब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाते हैं तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है। सही बात है कि केवल 10% ही गई है। अब इसका जो 10% आया, मान लो इसका 10% कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, 100 ही तो आएगा, ठीक है। अब इसका 10, इसका फिर 10% आगे जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो बहुत कम हो जाती है, ये बात सही है। इसको बोला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इस लॉ को क्या बोलते हैं, 10% लॉ। और ये भी बात यहां से क्लियर होती है, एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ही ट्रांसफर होती है, दैट इज एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कभी रिवर्स नहीं हो सकती। तो हो गया, अब ये क्वेश्चन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज,
अपराइट, और यहां पर दिया गया दोनों होता है अपराइट भी इन्वर्टेड, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, कोई ऑप्शन है ऐसा, थर्ड ही होता है। ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ अब पढ़ो, ध्यान से सुनना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी किससे मिलती है? किससे मिलती है? एटीपी से। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है वो बाटी, और एटीपी का फॉर्मेशन कब होता है? एटीपी का फॉर्मेशन कब होता है? जब एडीपी से जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है। तो भाई पूछ रहा है व्हेन सेल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट द रिएक्शन इज, तो रिएक्शन क्या होगी? एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाए, अरे डाई फॉस्फेट है एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा ट्राई फॉस्फेट बन जाएगा, तो रिएक्शन यही तो होगी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, फुर्सत में एग्जाम ने बना। कह रहे वन डे यू वेक अप विद ए सोर थ्रोट, एक दिन आप सोकर जागते हैं और आपका गला भारी भारी सा लगता है आपको, और आपकी रनिंग नोज नाक बहना भी स्टार्ट हो जाती है। अब जब डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं चेकअप करा लो, और चेकअप कराने के बाद आप चले आते हैं घर, टेलीफोन आता है और उसमें बताया जाता है यही लिखा है उसमें, एंड टेलीफोन यू नेक्स्ट डे, अगले दिन फोन आता है और बताया जाता है कि आपके ऊपर कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी, मतलब इसका मतलब आपको कौन सी बीमारी हुई है? नहीं, कौन सी बात, एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करती हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, इसका मतलब है आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है जैसे जुकाम, समझ गए कि नहीं? यही है क्वेश्चन, कहाँ चला गया? नीचे नहीं आ गया, ठीक है ना, आगे हो गया। अब इस छोटा कर लेंगे फिर दिखेगा नहीं, दिक्कत ही है। कौन सा क्वेश्चन था? बस 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 यही है, ये वाला है, ठीक है ना। चलो तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? फोर्थ, यू आर इन्फेक्टेड बाई वायरस। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन है बेटा पढ़ो। फ्लूड मोजेक मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, स्ट्रक्चर या फंक्शन या दोनों? दोनों, क्योंकि बेटा स्ट्रक्चर तो बताता ही है कि ठीक है ना, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो दो लेयर्स में अरेंज हैं, प्रोटीन या तो आउटसाइड प्रेजेंट है या बीच में, ठीक है ना, एम्बेडेड है। और अब ये भी बता रहा है कि जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो डायरेक्ट लिपिड से पास हो जाएंगे, और जो लिपिड इनसॉल्युबल हैं वो उन इंटीग्रेटेड प्रोटीन या जो धसी हुई प्रोटीन है उसके अंदर से पास होंगे। तो फंक्शन भी बता रहा है और स्ट्रक्चर दोनों को बता रहा है, ठीक। अरेंजमेंट तो उसने भी बता दिया था रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने, लेकिन वो फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो ये आया था। तो वो ये जब ये कह रहे थे कि लिपिड बाई लेयर में अरेंज्ड है, ठीक है ना, और प्रोटीन अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, तो प्रोटीन जब बाहर भी हैं और अंदर भी हैं तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रोटीन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो फिर वो अंदर कैसे जाएगा? तो इसका मतलब वो फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तब ये आया था। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? फोर्थ। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ ये आप बताओ, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का क्या फंक्शन होता है? स्टोरेज ऑफ बाइल, यस और नो? नहीं होता है ना, काम खत्म हो गया, गलत हो गया। तो पूछ रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है, काम खत्म। सिंथेसिस ऑफ बाइल इज द फंक्शन ऑफ लीवर, स्टोरेज ऑफ बाइल इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यही हो गया। बाकी सब पढ़ लो, एक्सक्रीशन कराता है बाइलीरुबिन का, बाइल जूस को बनाता है, यूरिया को भी बनाता है, बाकी सब सही है। ठीक है बेटा, तो नॉट पूछा गया था कौन सा नहीं है। बेटा एक बात बताएं, एग्जामिनर में एग्जामिनेशन में टाइम की कमी होती है तो नॉट जल्दी में दिखता नहीं है, समझ रहे, इनकरेक्ट करेक्ट नजर आने लगता है वहां पर। तो ऐसे क्वेश्चनों को कृपया ध्यान से पढ़े, दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है ना, नॉट दिखता ही नहीं, कहाँ गया। एक साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बारे में पूछना। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है। लैक सेल वॉल, गलत बात। मोनेरा ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मेंबर है मोनेरा के, और मोनेरा में जो सेल वॉल होती होती म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें सेल वॉल होती है और बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड। हाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं क्योंकि इनके पास होती है हेटरोसिस सेल, और दूसरी बात है
ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या नॉन फोटोसिंथेटिक? अरे भाई, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं ये, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजेनिक, ठीक है ना। बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस होती है वो एनऑक्सीजेनिक होती है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की होती है, ठीक है ना, कैसी? ऑक्सीजेनिक। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है तो क्लोरोफिल होगा। इवन बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोबोरेटिन या बैक्टीरियो, ठीक है ना, क्लोरोफिल, ठीक। तो यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, ये गलत बात है, ठीक है ना। तो कौन कौन से? हाँ, लैक क्लोरोफिल नहीं, हाँ सही तो है, लैक क्लोरोफिल कहाँ, क्लोरोफिल होता है लिखा, हाँ लैक लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब ऑप्शन कौन कौन सा सही, कोई ऑप्शन है सही? थर्ड ए एंड सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, यही है बेटा। हाँ, इसमें दिया गया है मिलर, मिलर ने कब एक्सपेरिमेंट किया था? 1953, 1953 में, जब वाटसन एंड क्रिक ने डबल मॉल हेलिक्स मॉडल दिया था उसी ईयर में। और इन्होंने, ठीक है ना, घटिया क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका कि इन्होंने किस किस का यूज किया था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, कई बार पूछा गया। फिर और घटिया क्वेश्चन बना कि कौन कौन से अमीनो एसिड बनते, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड बनते। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना, इन्होंने ये कैसे प्रूव किया कि लाइफ जो ओरिजिन हुई है, ठीक है ना, उस टाइम पर वो लिविंग से ही ओरिजिनेट हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब था इन्होंने उस टाइम की जो कंडीशन थी, किस टाइम पर, जिस टाइम पे लाइफ ओरिजिनेट, उसी कंडीशन को आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट किया था। तो इसका मतलब उस टाइम की कंडीशन कैसी थी, अर्थ एकदम गर्म थी, ठीक है ना, तो वॉल्केनो एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था या ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग था। क्वेश्चन यही पूछा जाता, आज के टाइम पर लाइफ की ओरिजिन पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि आज हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन प्रीवियस कैसा था, बस यही चेक करना है कि उस टाइम की। अब की बार ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कंडीशन पूछी अलग, तो हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनो स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा थे और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, हो गया कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंजियोस्पर्म। चलो पढ़ लेते हैं, एंजियोस्पर्म, द मैन प्लांट बॉडी इज गैमिटोफाइट, बिल्कुल गलत हो गया, मैन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आपका गलत, मैन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड गैमिटोफाइट जनरेशन इज अब्सेंट। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, सब फॉलो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एन के बाद टू एन और टू एन के बाद एन आएगी, किसी में ना तो स्पोरोफाइट अब्सेंट हो सकता है ना गैमेटोफाइट, यहां बोल दिया गैमेटोफाइट एब्सेंट है, गलत हो गया, ठीक है। ओनली ओव्यूल्स रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, ये भी बात गलत है, फीमेल जनरेशन में ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है, ओव्यूल बोले तो एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट, लेकिन मेल में पॉलिन ग्रेन्स ये रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइट को। तो फीमेल में बोलता तो सही था, लेकिन ओनली बोल दिया तो गलत है, फीमेल में ये और मेल में ये, तो इसलिए ये भी गलत हो गया बेटा। द मैन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक, ये सही है, क्योंकि ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। गैमेटोफाइट का मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एन होंगे और बाकी सब कुछ क्या होगा, टू एन होगा, समझ गए कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला है, इसको आप रटिएगा बेटा ध्यान से, हम आपको बता दे रहे एक बात, ठीक है। एक तो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना। ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया था, तो जो स्टेनिंग लेने के बाद, स्टेन लेते दोनों थे, रंग दोनों लेते थे, लेकिन जो रिटेन रखते थे उनको ग्राम पॉजिटिव और जो धुलने के बाद छोड़ देते थे उनको बोलते थे ग्राम नेगेटिव। अब इसमें बेटा जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिक होती है, कैसी, और इसकी थिन होती है। इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, हाँ, जो सेल वॉल को बनाने वाला पेप्टाइडोग्लाइकन, वो भी, जब सेल वॉल थिक है तो सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, तो वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगली बात, साइटोप्लाज्मिक
लिपिड मेम्ब्रेन दोनों में पाए जाते हैं, इसमें भी और इसमें भी, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अंतर होता है, पाया इसमें भी जाएगा इसमें भी। तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी हो गया, ठीक है ना। अब कह रहे हैं बस एक में बोल रहे हैं थिक सेल वॉल होती है, दूसरे में बोल रहे हैं थिन होती है, तो यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। और इसमें बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसमें फ्लैजला इसमें भी हो सकता है और फ्लैजला इसमें, इसमें जो फ्लैजला होता है वो दो रिंग से बना होता है, ठीक है ना, एस और एम से, और इसमें चार रिंग से, एल पी और एस और एम। जो एस वाली रिंग होती है ये बाहर होती है, सरफेस पर होती है, तो लिखा तो एस लेयर अटैच डायरेक्टली टू द आउटर, आउटर का मतलब बाहर की तरफ, पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकन लेयर, तो ये भी सही हो गया। तो कौन कौन से सही हो गए, ए बी सी एंड ई, कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ही हो गया, ठीक है ना। अपने आप उन्होंने बता दिया, इसमें पूछ रहे थिक तो इसमें थिन, तो दोनों बातें तो एक ही बैक्टीरिया के लिए सही नहीं हो सकते। एक बात और याद रखना, जो ग्राम पॉजिटिव होता है इसमें टिकोइक एसिड होता है और इसमें नहीं होता, बस काम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कुछ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई बताओ। हाँ ये सीक्वेंस याद रख लेना बेटा, ठीक है ना। ओपेरॉन में जो जीन का सीक्वेंस होता है, अभी हम पढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है ना। सबसे पहले होता है बेटा रेगुलेटर जीन, फिर होता है बेटा, ठीक है ना, रेगुलेटर के बाद होता है ऑपरेटर जीन, फिर होता है प्रमोटर जीन, और फिर होता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बेटा, यहाँ से देखो, पहले कौन आ गया रेगुलेटर ए, फिर कौन आ गया सी, फिर कौन सा आ गया ये प्रमोटर किसमें है डी, और फिर आ गया बी, है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले की बात करते, अगला क्वेश्चन है बेटा, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म, ये फालतू क्वेश्चन है, कई बार पूछा, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट, सात सेल होती हैं और आठ केंद्रक होते हैं, एट न्यूक्लिएट सेवन सेल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, पहले ही आंसर हम पहले ही बता चुके हैं आपको, कह रहा है इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, ठीक है, वेरी गुड, सही बात है कि इनब्रीडिंग बार बार कराते हैं, इससे क्या होता है कि जो जीन आपको चाहिए होता है वो बार बार एक्सप्रेस होता रहता है, और जो हार्मफुल जीन होता है उसको आप एलिमिनेट करते रहते हो, तो इनब्रीडिंग से सुपीरियर जीन बाहर आता है, एक्सप्रेस होने लगता है, ये बात सही। इनब्रीडिंग डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, इनक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज करेक्ट और सेकेंड इज इनकरेक्ट, इंक्रीज करता है होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना। अगला बताओ, करेक्ट सीक्वेंस, हाँ ये भी एनसीईआरटी में दिया गया, सक्सेशन पढ़ाया जाता है जब इकोसिस्टम पढ़ा, तो आप याद रखना हाइड्राट्स में कभी पूछे तो सबसे पहले बनेंगे फाइटो प्लांकटोन, कौन बनेंगे, फिर उसके बाद बनेंगे सबमर्ज्ड प्लांट, डूबे हुए प्लांट जो पानी में, फिर सबमर्ज के बाद बनेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है ना। फ्लोटिंग के बाद बनेगा आपको बेटा, अब देखो हमने कहा था अरेंज करने वाले में ज्यादा चक्कर ना पड़ना, इतना ही अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, समझ गए कि नहीं, प्रोड्यूसर ऑफ, ठीक है ना, एक्वाटिक कंडीशन में प्रोड्यूसर का काम कौन करते हैं, हरे पौधे नहीं करते हैं, ये फाइटो प्लांकटोन करते हैं, ठीक है। चलो भाई तो अब ऑप्शन देखो, ऐसा कोई बन रहा है, ये कहां पर लिखा है फाइटोप्लांकटन, ए पर, सबमर्ज्ड वाला कहीं है, ठीक है ना, सबमर्ज का मतलब ये रूटेड हाइड्रोफाइट, सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट पूरा नाम होता है, तो कौन हो गया बी, और फिर कौन होगा फ्लोटिंग का मतलब डी, तो ए बी डी, बस इतना ही इसका काम हो जाएगा, बस हो गया ए बी डी, ए की मिलेगा मैचिंग के चक्कर में, मैचिंग और इसमें अरेंज करने वाले पूरे मत पड़ना चक्कर, बता रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स के डोमिनेंट, ठीक है ना, डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर क्या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। पहली बात तो उन्होंने ये बताया था कि जीन्स जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स का मतलब एलील,
एलील जो होते हैं पेयर में होते हैं, सही बात है। एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, हाँ भाई बिल्कुल सही बात थी, मिक्सिंग नहीं होती थी, ठीक है ना, जो अपना करेक्टर है भाई सो मेंडल के टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर ब्लेंडिंग और मिक्सिंग पॉसिबल है, मिक्सिंग का ही रिजल्ट है रिकॉम्बिनेशन, समझ गए कि नहीं, ये मेंडल के टाइम। हाँ और ये भी बोला गया था कि अगर हेट्रोजाइगस पेयर है तो जो डोमिनेंट वाला हेट्रोजाइगस पेयर में एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, ठीक है ना। अब इन्होंने इस लॉ को, ये स्टेटमेंट सही है कि डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल ए पर्टिकुलर करेक्टर इज नोन एज फैक्टर्स, अरे मेंडल ने तो फैक्टर ही कहा था, मेंडल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, लेकिन इसको ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन नहीं करता, ये एक सेंटेंस था एक्सप्लेन, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस इन तीनों बातों को बताता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा पहला, ठीक है हो जाएगा बेटा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन ये फालतू का है बेटा, बहुत पूछा जाता है इस डायग्राम से क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वो दिए गए हैं हम बता दे रहे, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक स्टेटिन है जो निकाला जाता है किससे, मोनस्कस परफ्यूरियस से, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, एक है ट्राइकोडर्मा फंगस, उससे निकाला जाता है साइक्लोस्पोरिन ए, वो इम्यूनो सप्रेसिव का काम करता है, और तीसरा यही है स्ट्रेप्टोकाइनेस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है इसको, और ये क्लॉट बस्टर एंजाइम कहलाता है, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर दिया गया है कहीं, क्लॉट बस्टर का मतलब ये होता है, ठीक है ना, जैसे किसी पर्सन को हार्ट की सर्जरी हो, जब हार्ट की सर्जरी होगी तो वहां पर वेन्स को काटा जाएगा, और मान लीजिए काटते समय कहीं गलती से काटा जाएगा वेन्स को और फिर जोड़ा जाएगा, और काटते और जोड़ते समय मान लीजिए कहीं काटा और ब्लड निकला, और ब्लड निकल कर वो कहाँ चला गया, वेन के अंदर ही, और क्या बना दिया उसने, क्लॉट। तो वो जब पेशेंट वो ठीक हो जाएगा तो वो क्लॉट क्या करेगा, ठीक है ना, ब्लड फ्लो को रोकेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इस एंजाइम को यूज किया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है क्लॉट वस्टर, क्लॉट को खत्म करने वाला। कौन, हेपेरिन, वो बेटा एंटी कोएगुलेंट है, वो ब्लड को कभी जमने ही नहीं देता है, और ये जम गया तो उसको खत्म करता है, दोनों चीजों में अंतर है, वो जमने ही नहीं देगा कभी, और ये जम गया तब खत्म करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ डीसीटी से कह रहा, डीटीसी से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का भी होता है और बाइकार्बोनेट्स का भी होता है, सही है पहला। अगला क्वेश्चन पढ़ो और आप खुद ही बता दो, ओनली 10% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाई द रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल का मतलब पीसीटी डीसीटी हेनले लूप सबको मिला के बोलते हैं, कह रहे केवल 10% ही एब्जॉर्ब होता है, 180 लीटर का 10% यानी कि 1 पॉइंट वो 18 लीटर, 18 लीटर 180 लीटर में कम कर दो तो कितना बचा, 118 लीटर 162 बचा, तो 162 लीटर दिन भर में निकालना पड़ता है फिर, ठीक है ना, और 162 लीटर दिन भर में निकालना पड़ता तो फिर टॉयलेट में ही बैठे रहते फिर, तो समझ रहे हो कि नहीं, इसका मतलब ये उल्टा है, लगभग ठीक है ना 99% क्या हो जाता है रीएब्जॉर्ब, ओनली 1% पास आउट, और 1% का मतलब 180 लीटर का 1% निकालो 1.8, लगभग 1.5 लीटर एक दिन में यूरिन का फॉर्मेशन होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, 99% रीअब्सॉर्ब होता है, ये 10% नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया फिर से भाई थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पॉलिनेशन, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो, विंड पॉलिनेशन, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी किया गया, जहां वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है उसी में पॉलिनेशन का, तो विंड पॉलिनेशन फ्लावर, ये बिल्कुल सही बात है, जितने भी विंड पॉलिनेशन फ्लावर होते हैं उनके ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा ही है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटर प्रोड्यूस नेक्टर नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल सही बात है, कभी नेक्टर क्योंकि इन्हें इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, वाटर द्वारा होगा या फिर विंड द्वारा होगा, बोथ विंड एंड, हाँ विंड एंड वाटर, क्या सही तो है, अरे इंसेक्ट पॉलिनेटर बराबर होते तब वो नेक्टर करते, क्योंकि इंसेक्ट को नेक्टर चाहिए होता है फीड करने के लिए,
और उनका पॉलिनेशन हो जाता है, तो वो नेक्टर एक क्या होता है, फ्लोरल रिवार्ड होता है किसके लिए, इंसेक्ट, यहाँ इंसेक्ट है ही नहीं तो रिवार्ड किसको देंगे, समझ रहे हो कि नहीं। बीस आर द डोमिनेंट, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे एनिमल्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, ठीक है ना, बीस से, हनी बी से होता है। इन, अब अगला सेंटेंस पढ़ो, इन जिटोनोमी जिटेनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तब जिटेनोगेमी, और डिफरेंट प्लांट तो जीनोगेमी हो गया ना, ये तो जिटनो कहाँ हुआ, तो यही स्टेटमेंट क्या होगा, ए बी एंड सी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ ध्यान सुनना, एंजाइम जो होता है, कोई भी एंजाइम होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो, ठीक है ना, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोफैक्टर, और ये कोफैक्टर भी तीन तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं को एंजाइम और एक को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक को बोलते हैं मेटल एक्टिवेटर, ये तीन। अब एंजाइम काम तभी करता है जब ये प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों एक साथ होते हैं, तब दोनों को मिलाकर बोलते हैं होलो एंजाइम। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, ठीक है ना, एन एंजाइम डिवाइड ऑफ इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर उसके पास नहीं है, तब क्या बचा, केवल प्रोटीन पार्ट, और उसको क्या बोलोगे, एपो एंजाइम, समझ गए कि नहीं, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट में बताया, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, हाँ अब देखो मैचिंग की बात करें, हमें दो मैच करने हैं बस, हमने कहा था पांचों मैच करने की जरूरत नहीं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जॉइंट सेल इज नर्व सेल, ठीक है ना, अब देखो ए का सेकेंड और बी का थर्ड, ए का सेकेंड बी का थर्ड, काम खत्म, नहीं दो है तो एक और चेक कर लो, फिर तीसरा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एयर सेक्स स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी होती है, तो सी का फोर्थ किसी में है, ठीक है, हो गया, ठीक, वैसे दो पे काम हो जाता है, हमने कहा दो से ना चले काम, तो तीन को मैच कर लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बाकी अपने आप हो जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा बोलो, ये आप घटिया क्वेश्चन आप करो, अरेंजमेंट सेल साइकिल, जीवन एस जी टू एम, तो जीवन एस जी टू एम का मतलब बी सी ए डी है कोई, जीवन एस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वेरी गुड, अरेंज द फेजेस ऑफ सेल साइकिल इन करेक्ट इक्वल, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या बेटा, प्रोफेस पहले होता है और प्रोफेस वो इंटरफेस पहले होता है, अरे भाई ये होता है सेल साइकिल जो होती है, सेल साइकिल की दो फेज होती हैं, एक होता है बेटा क्या इंटरफेस और एक होता है एम फेज, या इसी को बोलते हो डिवीजन फेज, और इंटरफेस में आता है जीवन एस जी टू, तो सीक्वेंस क्या बना, जीवन एस जी टू और एम, ये क्वेश्चन एक बार थोड़ी ना कई बार, ठीक है बेटा, इनका पेपर सही नहीं है हम गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन देखना 30 और 31, ठीक है ना, 30 और 31 दोनों ही क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्ट सेम, ऐसी बड़ी गलती कौन करता है, तो इनके यहाँ, ठीक है ना, ओरिजिनल पेपर है, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन गलत है बेटा, डी सी ए कौन सा हमारा बना, जीवन एस जी टू एम, बी सी ए डी, कोई है ऑप्शन ऐसा नहीं है, नहीं तो यही ऑप्शन हमारा 100% है, चलो हटाओ गलत हो गए, ऑप्शन गलत हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन होता है ऐसा क्वेश्चन, कॉमन का मतलब सबको नंबर मिलते हैं फ्री, अटेम्प्ट कर दोगे तब भी नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तब भी मिलेंगे, इसीलिए बोला जाता कॉमन हो गया है, वो क्वेश्चन ही गलत है, कॉमन, हाँ समझ गए कि नहीं, उसको सबको नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है,
कॉमन क्वेश्चन इसीलिए बोलता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इननेट इम्यूनिटी। अब देखो समझ, इननेट इम्यूनिटी होती है ये सिंस बर्थ होती है, मम्मी पापा से गिफ्ट में मिलती है, सिंस बर्थ होती है, और ये एक्वायर होती है चार तरह के बैरियर से, ठीक है ना। जब हमने पढ़ाया था आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसमें पढ़ाया था, पहला था ठीक है ना फिजिकल, फिजिकल बैरियर। फिजिकल में आता था या तो स्किन या म्यूकस की कोटिंग आती थी, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल की बात करते थे बेटा, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल तो इसमें आता था टीयर, सिलाइवा और एसिड, ठीक है ना, एसिड जो पेट में होता है, ठीक है ना। फिर आता था सेलुलर, सेलुलर में आती थी मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, और साइटोकाइन में आता था इंटर फेरॉन। अब मैच करो, म्यूकस फिजिकल है फिजियोलॉजिकल नहीं है, गलत। एसिड इन स्टमक फिजियोलॉजिकल है, सही है। न्यूट्रोफिल सेलुलर है या साइटोकाइन लिखा, गलत। इंटरफेरॉन साइटोकाइन है या फिजियोलॉजिकल लिखा है, गलत। हो गया क्या, कुछ कह रहे? तो ऑप्शन ए सेकंड करें, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कंप्लीट कैम्बियम। अब बेटा इन्होंने देखो ध्यान से सुनना, कैम्बियम के बारे में कुछ नहीं बता, ठीक है ना, ठीक। अब सुनो, कैम्बियम रिंग, रिंग कैम्बियम रिंग का मतलब किसकी बात कर रहा है, कॉर्क कैम्बियम या स्टीलर कैम्बियम, वैस्कुलर? नहीं बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहा है, क्योंकि रिंग ठीक है ना जो कंप्लीट बनती है वो इंट्रा और इंटर से बनती है, तब होती है कंप्लीट, और इंट्रा और इंटर का लफड़ा होता है वैस्कुलर कैम्बियम। मान लो आपको इतने समझ में नहीं आया कि ये कैम्बियम कौन सी है, वैस्कुलर है या कॉर्क कैम्बियम है, हमें समझ में नहीं आया कौन सी है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन बता देंगे ना कौन सी है, ठीक। अगर मान लो हमें तो समझ में आ गया कैम्बियम रिंग, रिंग की बात केवल और केवल वैस्कुलर के लिए की जाती है, तो ये वैस्कुलर थी, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तब भी समझो, वैस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ बनाती है सेकेंडरी जाइलम, और कॉर्क कैम्बियम जैसे फेलोजन बाहर की तरफ बनाता है कॉर्क और अंदर की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और आप देखो ध्यान से, कॉर्क और कैटरेक्स कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉर्क कैम्बियम की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, तो ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट है। अब सेकेंडरी सेकेंडरी की बात नहीं की थी, ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही, तो जितने भी टिश्यू बनेंगे सब सेकेंडरी होंगे, ठीक है ना। चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी गुड, एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए पर ही राइबोसोम जुड़ता है तभी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक। चलो पेपर कितना आसान आता है, ठीक है ना, हम करा रहे हैं ना बेटा इसलिए, ठीक है। सुनो मेरी बात, अब ये कह रहा है कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या होगा कि उनकी संतान में कुछ भी हो जाए, ए बी, मतलब संतान में ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, वो भी कुछ भी हो सकता है, मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ये करेक्ट है? नहीं यार, ठीक है ना, हमें ए बी से मतलब नहीं, ये होना चाहिए, ऑप्शन उसने दिए है ना, तो उसके साथ आप समझो, इसके पास आई ए और आई ए, मान लेते आई यू, आई ए फादर है और ये मदर है, आई बी और ये क्या है बेटा, जब गैमिट्स होगा तो ये अलग गैमिट में और ये अलग गैमिट में, अरे जब रिप्रोडक्शन होगा तो गैमिट बनेंगे, ये अलग गैमिट में, ये दो भाई क्रोमोसोम पेयर में, तो एक पेयर पर, एक क्रोमोसोम पर ये अलील है, दूसरे पर ये, पेयर में तो जाएंगे नहीं, अलग हो जाते हैं, तो ये फादर। अब मान लो गैमिट्स का फ्यूजन होगा, ये इससे मिल सकता है, ये इससे मिल सकता है, ये इससे मिल सकता है, और ये इससे, ये इससे मिलेगा तो ए और बी मिलेंगे तो ए बी आ जाएगा, ये इससे मिलेगा तो आई ए और आई ओ, बोलो आई ए और आई ओ क्या बनाएगा, ए बनाएगा, क्योंकि ए डोमिनेंट है और रिसेसिव है, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, और यहां से आई ओ और आई बी तो बी बनेगा, और आई ओ और आई ओ तो बन गए चारों, तो ये करेक्ट ऑप्शन, समझ गए कि नहीं, ठीक, ऐसे ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फिर ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये थोड़ा सा एडवांस पूछा गया, ठीक है ना। देखो कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं,
ठीक है, नेशनल पार्क बनाएंगे। नेशनल पार्क का मतलब जहां पर कुछ जानवर पाए जाते थे, लेकिन वो जानवर धीरे धीरे दुनिया से या हिंदुस्तान से, अपने कंट्री से या दुनिया के कोने में, क्योंकि हर जानवर हर जगह नहीं मिलता है। जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता, हर जगह नहीं मिल सकता, समझ गए कि नहीं? कीवी न्यूजीलैंड में ही मिल सकता है, और अगर मान लो न्यूजीलैंड से भी कीवी खत्म हो जाए तो पूरे दुनिया से फिर खत्म, तो न्यूजीलैंड वालों को उसको बचाना पड़ेगा, इसीलिए तो उसको नेशनल बर्ड बना रखे ताकि उसकी कोई हंटिंग ना करे। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, अपने यहाँ भी कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे चीता, चीता टाइगर अलग है और चीता अलग है, चीता की हिंदी बाघ होती है, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? आप समझ लो, वो अपने यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो थोड़ा सा वैसे कलर का होता था। ये जो टाइगर होता है बिल्कुल एकदम येलो होता है और बीच बीच में काली काली धारियां होती हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है ना, ये डार्क येलो होता था, वो लाइट येलो रंग का होता था, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, कहीं एक्सटिंक्ट का मतलब नेचर से एक्सटिंक्ट हो गया, किसी चिड़ियाघर में देख लो ताज्जुब ना मानना, क्योंकि उसको आर्टिफिशियली आप बचा के रखे हुए, नेचर तो उसको खत्म कर चुकी है, उसको जो कंडीशन चाहिए वो आप, ये क्या है, आर्टिफिशियल तरीका ही तो है, आपने चिड़ियाघर बना दिया, उसको जो कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो आप दे रहे हो जबरदस्ती, नेचर थोड़ी ना दे रही है, तो वो तो आर्टिफिशियल तरीके से आप जिंदा किए हुए उसको। तो ऐसे तो जो वाइल्ड आस है, ठीक है ना, देखने में काफी अच्छा लगता है, नाम गधा है लेकिन ये गधा देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है ना, वाइल्ड आस, ठीक है। तो रेन ऑफ कच्छ, कच्छ कहाँ है, गुजरात है, ठीक है ना, वहां पर एक नेशनल पार्क है जहां पर इसको, ठीक है ना, बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगा, ठीक है। तो रेन ऑफ कच्छ में ये पाया जाता है। हंगुल एक चिड़िया है, ठीक है ना, हंगुल डाचीगम बर्ड सेंचुरी में पाई जाती है, और डाचीगम कहाँ है, श्रीनगर, वहां पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी तो पूरे हिंदुस्तान में मात्र 70 ही पक्षी बचे, 70 ओनली, 70 प्रजातियां बची हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। और इसका रीजन ये है कि ये पाया जाता है राजस्थान, और राजस्थान का बॉर्डर कहाँ लगता है, पाकिस्तान, तो ये चिड़िया धीरे धीरे हिंदुस्तान से पाकिस्तान में भी चली, और हिंदुस्तान ने इसको कंजर्व कर रखा है, ठीक है ना, पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है वहां पर जहाँ ये रहती है, 70 के लिए ही पूरा एरिया कवर्ड कर रखा है, और वहां पर जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, इनके अंडे जो भी मिल जाते हैं उनको, ठीक है ना, लेके आते हैं, आर्टिफिशियल हैचिंग कराते हैं, कंडीशन प्रोवाइड करा के धीरे धीरे नम, लेकिन पाकिस्तान में इसकी हंटिंग अलाउड है, और हंटिंग इसकी इस लेवल पर होती है कि जो सऊदी अरबिया के शेख हैं वो तक हंटिंग करने आते हैं पाकिस्तान को पैसा दे के, ठीक है, इतनी जबरदस्त। हाँ, मीट इसकी स्वादिष्ट होती है, तो इसलिए वहां से पैसा खर्च करके पाकिस्तान को पैसा दे के उस एरिया में हम जाएंगे, हंटिंग करेंगे इतना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता, राजस्थान, अब बाकी तो सब समझ ही गए होंगे। ठीक, तो पहला हो गया ए का सेकंड और बी का फोर्थ, ए का सेकंड बी का फोर्थ, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें आता नहीं है, ठीक है। एक आता है, एक वो आता है YouTube पे चैनल पड़ा हुआ है, ताज एग्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, उसमें जितने भी ऐसे ये विचित्र काम है ये सब बताए जाते हैं। तो हमने वाइल्ड आस की भी कहानी वहीं से सुनी थी, रेन ऑफ कच्छ में ये पाया जाता, और वहीं से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, दो ऑप्शन हमें मिल गए, तीसरा हमें पता था, काम हो गया, क्वेश्चन समझ गए, आता हमको भी नहीं था, ऐसे पता चल गया। चलिए अगला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बताओ पहला ऑप्शन सही है या गलत, आप बताएंगे आप लोग बच्चे। कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, आप सुनो ना, हमने बताए थे दो आपको, एक बताया था गाटक, GAATTC, और एक बताया था, अरे इसी का उल्टा कर लेना, ठीक है ना, ये इको आर1 का एक बताया था घटक, GTC, GAC, ये बताया था एन सेकंड, ये कहां से काटता था, अरे ये डीएनए है पूरा लंबा, उसमें ये सीक्वेंस है, यहाँ से काटता था, और ये है यहाँ से, तो ये सेंटेंस सही है या गलत, आप बताओ, सेंटर से काटेगा या लिटिल अवे, कहीं से भी काट सकता है, ठीक है ना, सेंटर से काटेगा जरूरी नहीं है, सेंटर से, अरे इसका सेंटर तो ये हुआ है ना, 3 लेटर इधर 3 लेटर, तो कहीं से भी काट सकता है। हाँ, ये बात उसके लिए सही होगी, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो कैसे एंड प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड, अगर यहीं पर लिखा देता फॉर प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड तो सही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, और ये कहीं से भी, तो ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि सेंटर से जरूर नहीं, ठीक
ठीक है, बिलोंग्स टू द न्यूक्लियस, वेरी गुड। हमने बताया था चाहे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम हो, चाहे रेस्ट्रिक्शन एंजो न्यूक्लियस हो, चाहे न्यूक्लियस हो, और सॉरी तीन बताए थे, एक क्लास बताई थी कौन सी, न्यूक्लियस, और इसमें बताया था एक्जो न्यूक्लियस एंड एंडो न्यूक्लियस, और एंडो न्यूक्लियस में एक स्पेशल टाइप का बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ये सब किस क्लास को बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियस को। हो गया सही, ठीक है ना। ज्वाइंस टेस्ट किया, नहीं बेटा, ज्वाइनिंग का काम लाइगेज का होता है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का नहीं होता, इसका तो काम काटने का होता है। एड मिथाइल ग्रुप, नहीं ये तो मिथाइलेज का काम होता है, इसका नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया बेटा, कौन सा, अरे ये भी गलत है, ये भी गलत है, कौन सा सही है, बी सही है केवल। अरे मिथाइलेस का, मिथाइलेशन का काम होता है मिथाइलेज एंजाइम का, ये रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है। अगला भाई सुनो भाई, एक एक क्या लिखा, एक कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, भाई देखो हमने कहा था दो क्वेश्चन सेम रिपीट होंगे 29 और 30, तो इस पेपर कोई भरोसा नहीं, ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। जब पेपर अगर, अरे भाई एक पहला रिपीट हो जाता, दूसरा 50वां रिपीट हो जाता तो भी तसल्ली है, 29 30 ही रिपीट है अगली बगल रखे हुए, हाँ तो समझ गए क्या, ठीक है ना। तो ये पेपर अपनी कोचिंग की तरह ही है। एक दिन राजवी सर ने हमको फोन किया कि हमारा वो ऐप ज्वाइन कर लो, हमने कहा क्यों, कि उसमें बच्चे गालियां दे रहे हैं बहुत। हमने कहा क्यों, ठीक है ना, कि वो क्वेश्चन के आंसर बहुत गलत है। तो हमने कहा अच्छा एक पेपर करके देखते हैं, तो उसमें सर ने कहा था एक से अटेम्प्ट करना, तो अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन आता उसमें, तो 7 तक ऑप्शन ही नहीं था अटेम्प्ट करने का, 8वें में था, तो हमने कहा चलो इसी को कर लेते हैं, अब उनसे कहेंगे कि इसमें ऑप्शन नहीं अटेम्प्ट। जब हमने क्वेश्चन रिपीट, जब क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए तो आंसर तो सही थे, आंसर एक ही गलत था, लेकिन एक क्वेश्चन 5 बार रिपीट था और एक क्वेश्चन 7 बार रिपीट था, मतलब 7 और 5 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो गए, तो बच्चे इसलिए झल्ला रहे थे। एक ही क्वेश्चन 7 7 बार रिपीट है, 50 क्वेश्चन उसमें से 12 रिपीट हो गए, फिर करें क्या। हाँ तो हमने उनसे कहा कि ऐसा प्रॉब्लम आ रही, क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं है, आंसर ठीक है, आंसर एक आध तो किसी के भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उसमें रिपीटिशन बहुत भयंकर है। अच्छा जो पेपर टाइप करते हैं उनको आराम रहती है, ठीक है ना, एक 38वां डाल दिया, एक 48वां डाल दिया, तुरंत कॉपी पेस्ट ही तो करना है, टाइप करने का समय बचेगा, सर कौन सा पेपर देंगे, बच्चे ही तो देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 132 पढ़ो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस अकर्स इन जायगोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, तो जायगोटीन कहीं दिखा, साइनेप्सिस दिया तो गया, स्टेज नहीं फिनोमेना का नाम दिया गया है, तो भाई इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम एंड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, अरे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को ही क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। प्रोटीन बॉडी फॉर्म, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है ना, और ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर कब दिखाई देता है, डिप्लोटीन में, जिसको बोलते हैं क्यासमेटा। देखो दो ही चेक कर लेना, ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ए का थर्ड और बी का फोर्थ, नहीं आगे और है, तो सी का क्या है बेटा, सी का सेकंड, ये बात ठीक है। चलो हमने तुमसे कहा ना जितना पूरा डिवीजन इंपॉर्टेंट है उतना अकेले मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, हाँ ये क्वेश्चन, ये एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स का है, लेकिन अब हमारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन पता नहीं फिर एनसीईआरटी वाले ये क्यों, आईसीआर वाले इसके पीछे पड़े। हॉर्स, हॉर्स जो पहली बार दुनिया में बना था वो कुत्ते का जितना था, हाँ छोटा था, अब धीरे धीरे उसके पैर में यहाँ पाई जाती है स्प्लिंट बोन, ये बोन धीरे धीरे बड़ी होना स्टार्ट होती है, तो उसी स्प्लिंट बोन में एवोल्यूशन होता है जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हॉर्स दिखाई ऐसा, ठीक है ना। तो कह रहा है, तो ठीक है ना, जो हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ है उसमें सबसे पहले बना था बेटा इओएपस,
फिर बना था मीजो इप्पस, फिर बना था मैरी इप्पस, ठीक है ना, बस इतना ही चेक कर लो, हो जाएगा काम। इयो मीजो मेरी, ये कौन सा हो गया, इयो कौन से में दिया गया, बी, मीजो डी, मेरी सी, बी डी सी, अब आगे मैच कर, बी डी सी हो गया, चलो ये याद कर लेना बस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, स्पीसीज इन ए बायोलॉजिकल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन द नंबर, अब इसकी डेफिनेशन बताओ, ठीक है ना, बायोलॉजी एक कम्युनिटी है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब जहाँ एनिमल प्लांट माइक्रोब सब है, ठीक है ना, कह रहा है वहां पर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर ज्यादा है और दूसरे स्पीसीज से उसकी संख्या भी ज्यादा है, समझ गए कि रिलेटिव अबंडेंस, मतलब दूसरी स्पीसीज कम है और उसकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, ये किसको बताएगी, स्पीसीज रिचनेस या स्पीसीज डाइवर्सिटी, रिचनेस, दूसरे के कंपैरिजन में एक ज्यादा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है ना, कि घोड़े कितनी है, गधे कितनी है, ठीक है ना, और किसी के ले लेते, कुत्ते कितनी है, बिल्ली कितनी, अलग अलग स्पीसीज का नंबर देता है, तब बोलते हैं डाइवर्सिटी, यहाँ तो ठीक है ना कंपैरिजन किया है नंबर के बेसिस पर, तब बोलेंगे रिचनेस। अगला बोलो भाई क्या है, हाँ, क्लोरो एम्फेनिकॉल क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है, और एंटीबायोटिक्स है तो ये बैक्टीरिया के सिलेक्शन में मदद करेगी या नहीं करेगी, करेगी, अरे बताया तो था उस दिन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन ले रहे तो वो अगर सेलेक्ट कर सकती है, और किसी के लिए किसी बैक्टीरिया के अंदर इसका रेजिस्टेंट जीन है तो ये भी सिलेक्शन का काम करती है, तो किसका, इसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, तो पहला हो गया सेलेक्ट, एथीडियम ब्रोमाइड, ये फालतू ना, स्टेनिंग का काम करता है एग्रोजोल। अब ए का थर्ड, बी का फोर्थ, वही है, दो ऑप्शन है, चलो तीसरे की तरफ चलते हैं, डीएनए लाइगेज क्या करता है, अभी तो बताया तो ज्वाइन करने का काम करता है, तो सी का फर्स्ट सेकंड हो गया, और कैल्शियम क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए की एंट्री को प्रमोट करता है, ये फॉर्मूला पता नहीं कितनी बार पूछा, इकलौता यही पूछते हैं, सोले ने सीखा है, रट गया है, हाँ यही पूछते हैं, ठीक है ना, K5 ब्रैकेट, C5 ब्रैकेट, A5 विदाउट ब्रैकेट, इतना तक याद हो गया, बस यही ऑप्शन है, देखो K5 ब्रैकेट, C5 ब्रैकेट, A विदाउट ब्रैकेट, और दैट कंडीशन इज सेट टू बी स्टेमेन इज अटैच्ड विद पेटल एपीपेटेलस, और एपीपेटेलस सोलेनेसी, मालवेसी और कंपोजिटी में पाई जाती है, तो सोलेनेसी ऑप्शन में है, मालवेसी ऑप्शन है, लेकिन मालवेसी में जो स्टेमेन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और यहाँ पांच होते हैं, ठीक है ना, चलो, अरे भाई कभी वो नहीं गुड़हल का फूल देखा, उसके अंदर से फ्लावर रेड कलर को होता है, उसी के बीच से एक ट्यूब निकल कर आती है, स्टेमिनल ट्यूब, और उसमें एक दो स्टेमेंस लगे होते हैं या इनफाइनाइट, बहुत सारे लगे होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं उसमें, तो यहाँ 5 दिया गया, तो ऐसे हमने कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीड प्लांटेड डीप, अगर सॉइल के अंदर, ठीक है ना, सॉइल के अंदर ज्यादा अंदर बहुत गहरे में अगर किसी बीज को बो दिया जाए तो कहते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, क्यों, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, और वाटर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर, ये फैक्टर्स होते हैं किसके लिए, ठीक है ना, सीड के ग्रो करने के लिए। अगली बार, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था मैं इस पेपर में, सबसे बढ़िया, ठीक है ना, ध्यान सुनना, ये सिकल सेल एनीमिया बीमारी से लिया गया, एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया गया उसमें बताया था अल्फा चेन में डिफेक्ट होता है या बीटा चेन, बीटा चेन में किस पोजीशन के, सिक्स पोजीशन, और सिक्स में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, और उसकी जगह पे आ जाता है वैलिन, ये सब पूछ रहे थे एग्जाम, आज दिन तक उसने पूछा ही नहीं, उसने कहा पहले पर होता है वैलिन, दूसरे पर होता है एस्टिडिन, तीसरे पर होता है ल्यूसीन, बताओ चौथे पर क्या होता है, जो एनसीईआरटी वो फिगर याद किया होगा उसी को, चौथे पर वो होता है थ्रियोनीन, बस
समझ गए? इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छों की हालत खराब होगी, क्योंकि गोले में जो अमीनो एसिड लिखे गए हैं वो कोई नहीं, क्योंकि छठे से काम चलता है कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, काम हो जाता है, बस उतना ही रटते हैं। ये पूछा थ्री होनी तो छह रटने हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, नाम लिखा है उन्होंने। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर ऑप्शन तो पहले से ही मत आया, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, फिर भी देख लेते। कह रहे मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम एक आर्की बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और मिथेन गैस यानी कि गोबर गैस का प्रोडक्शन करते हैं। गोबर गैस इज द मिक्सर ऑफ CO2, CH4, H2 एंड H2S, तो CO2 एंड H2 दिए गए, सही है, ठीक है ना? मिथेनोबैक्टीरिया ग्रो इन एनएरोबिक, हो गया गलत, तो फर्स्ट इज ये एरोबिक नहीं, एनारोबिक होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात। इन ए पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड रेट्स द फ्रीक्वेंस, अब ये ध्यान सुनना, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनना। हार्डी बीन और इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। अब ध्यान सुनना, अब यहां से कोई एक जीन बता दिया जाएगा, मान लो होमोजाइगस डोमिनेंट पी के बारे में बात कर दी, अब आपको क्यों नहीं पता है, तब तक ये इक्वेशन सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसी के लिए एक रिलेशन और होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। दो रिलेशन होते हैं, एक तो आपकी बुक में दिया गया, दूसरा नहीं। दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और दिस इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? तो अब यहां पर उन्होंने कहा कि बैक कोट एलील जो डोमिनेंट वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, यानी कि पी की वैल्यू कितनी दी गई, 0.8 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू इज इक्वल टू 0.2। यहां से लगना था बच्चे, इस पर लगाएंगे, इस पर जब, ठीक है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव की बात करें तो ये इक्वेशन यूज करनी है, और जब किसी एक की ही बात करें तो चुपचाप इसको यूज कर लेना, ठीक है? चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो भाई। ड्यू टू सम इंजरी इन कॉर्डी टेंडली, कॉर्डी टेंडली वो मसल्स होती है जो वेंट्रिकल की बाल से निकलती हैं और, ठीक है ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल के ऊपर जाकर चिपक जाती हैं, ताकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इन वॉल्व के जो डोर्स होती हैं उनको नीचे की तरफ खींच लेती हैं, वॉल्व खुल जाते हैं और ब्लड ऊपर से नीचे। अगर ये बेटा वॉल्व का काम क्या होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो, अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ जाए, इंजरी हो जाए, तो जो बैक फ्लो पहले प्रिवेंट हो रहा था अब वो अलाउड होने लगेगा। तो पहला ब्लड ऑफ, ठीक है ना, फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एरोटा विल स्लो डाउन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्लो डाउन, क्योंकि ब्लड का जो पंपिंग है वो तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो रही है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन तो अभी भी होगा ना, ठीक है ना? पेसमेकर, पेसमेकर से कोई लेना देना नहीं है इनका, ब्लड बिल फ्लो बैक इन टू दैट, वापस चला जाएगा, क्योंकि जो वॉल्व है अब उन पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहेगा, जो पहले नीचे ही, अरे ये मसल जुड़ी थी तब तक नीचे खुलती है, अब इनमें इंजरी हो गई तो ये खत्म हो गई, तो ऊपर भी खुल सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, टाइट जंक्शन, देखो टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स, ये सब हमारी, जैसे ही एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट सेल से जोड़ने का काम क्या करती है, मिडिल लैमेला। अब हम लोगों में सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो एक सेल की सेल मेम्ब्रेन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं और दूसरी सेल की सेल मेम्ब्रेन, और ये आपस में, इन्हीं को बोलते हैं जंक्शंस। ये तीन तरह के हो सकते हैं, गैप जंक्शंस, ठीक, टाइट जंक्शन और, ठीक है ना, डेस्मोसोम्स। जो टाइट जंक्शन होते हैं ये किसी भी मटेरियल की लिंक लीकेज को रोकते हैं एक सेल से दूसरे, और ये जंक्शंस का पाया जाना केवल करेक्टर होता है वर्टीब्रेट्स का, तो वर्टीब्रेट्स में केवल कौन है बेटा, एम्फीबिया। ये वहाँ एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सब टिश्यू वगैरह पढ़ाए गए वहीं से लिया गया ये क्वेश्चन। भैया अगला पढ़ू, टाइट लिंक्ड जीन्स ऑन द सम क्रोमोसोम, सो क्वेश्चन
अच्छा, डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में ठीक है ना बताना। कह रहा पहला ऑप्शन है टाइट, अब देखो ध्यान सुनना, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस किसका है? मॉर्गन का है। अरे मॉर्गन ने भी दो करेक्टर लेकर ठीक है ना, एक आई कलर का और एक बॉडी साइज का, दो कलर लिए थे ठीक है ना, और कराया था क्रॉस। तो उसमें देखना बेटा, जो जीन बेटा दूर एक ही क्रोमोसोम पर पास पास होंगे, दूर दूर होंगे, उनको क्या बोलेंगे ठीक है ना, डिस्टेंट जीन। और डिस्टेंट जीन, दूर दूर जीन को बोलते हैं डिस्टेंट जीन, और डिस्टेंट जीन होंगे तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के चांस कम होंगे या ज्यादा? अच्छा मोर, अरे ये यहाँ से सेपरेट होकर जा सकते हैं दूसरे के साथ, लेकिन अगर एक ही क्रोमोसोम पर ऐसे जीन है जो बहुत पास पास है, इनको बोलते हैं लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन। और ये जैसे इसमें है वैसे ही अगली जनरेशन में भी जाएंगे, मतलब इनके सेपरेट होने के चांस बहुत कम होंगे। इस फिनोमेना को बोलते हैं लिंक केस, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन पढ़ते, टाइटली लिंक्ड जीन मतलब इस कंडीशन की बात कर रहा है जो जी, ऑन सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, वेरी गुड, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दर्शाता है, मतलब लिंकेज ज्यादा होगा, मतलब जो पेरेंटल करेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा आएंगे। तो पहला ऑप्शन सही है। जीन लूजली, लूजली का मतलब जो दूर दूर है, ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज दे, गलत बात है, इसमें तो बहुत कम मिलेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मिल जाएंगे ठीक है ना। जीन्स फार अपार्ट, फार अपार्ट का मतलब जो दूर दूर है, ऑन सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, गलत बात है, बहुत दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन के चांस ज्यादा होंगे, तो ये भी गलत। टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन, ये भी गलत है, रिकॉम्बिनेशन पहले ही बता चुके हैं बहुत कम होता है ठीक है ना। अब इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं ठीक है ना, इस क्वेश्चन के ठीक, क्योंकि अब भाई इन्होंने बोला लूजली जीन है, लूजली का मतलब है दूर दूर है, और दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, और इन्होंने कहा होंगे जैसे टाइटली होंगे, नहीं इसमें कम और इसमें ज्यादा, इसलिए गलत हो गया। अब ये कह रहे जीन दूर दूर है, दोनों बातें एक ही है ठीक है ना, इसमें भी रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होंगे, और टाइटली है तो इसमें बोला हायर, नहीं इसमें बेटा क्या रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? तीनों गलत है, इसमें केवल ऑप्शन सही होगा, ओनली, समझ गए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आप बताओ। ठीक, क्वेश्चन ऊपर है तो लो नीचे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आइटम्स, आइटम है भाई, वेरी गुड। इन द ऑप्शन इज करेक्टली कैटलाइज बाई द वन एक्सेप्शन, एक गलत, एक सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो भाई जो सही नहीं है उसी को पहचानना। तो सुनो भाई, प्रोटिस्टा फंजाई है प्लांटी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, वेरी गुड, यू यू कैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और ये ठीक है ना एक्सेप्शन, इसमें प्रोटेस्टा, गलत बात है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में होगी ठीक है। ये क्या खा गए? रेप्टाइल, बर्ड्स एंड एंड के आगे कुछ है ही? तो समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है, ये ओरिजिनल पेपर है, हम लोगों ने नहीं छापा है। हाँ, तो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, होमियोथर्म है, होमियोथर्म का मतलब वार्म ब्लडेड है ठीक है, गलत हो गया ठीक है ना। बर्ड्स और मैमल ही केवल वार्म ब्लडेड होते हैं, रेप्टाइल्स वार्म ब्लडेड नहीं होते, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन दोनों क्या शो करते हैं? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, फेसेस शो नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी से निकल गड्ढा खोद थोड़ी ना कहीं जाएंगी, तो वो तो पानी में ही रहेंगी ना, तो उनमें हाइबरनेशन एस्टिवेशन नहीं होता है। हाइबरनेशन का मतलब होता है गड्ढा बना के बिल में छुप जाना एडवर्स कंडीशन में ठीक है ना, तो ये गलत हो गया पहली बार, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स नहीं, केवल रेप्टाइल यहाँ होता तो सही हो जाता ठीक है, तो हम इसको सर्कल कर दें ठीक। ये होमियोथर्म नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड या कैसा है ठीक है, स्टीनोथर्म्स बोलते हैं इसको। फिश, फ्रॉग एंड स्नेक, ये मतलब फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल, ये थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, नहीं, वेरी गुड, फिशेस अलग होना चाहिए था ठीक है। हाँ, फिशेस में टू चेम्बर्ड होता है,
स्नेक और फ्रॉग में थ्री चेम्बर्ड होता है, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ अगर फिश कर देते तो सही हो जाता ये ऑप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन कौन हो जाता, फिश, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। अब आ जाओ, प्रिस्टिस इसको बोलते हैं साफ फिश, लीबियो इसको बोलते हैं रो, ट्राइगन इसको बोलते हैं स्टिंग रे, ऑपरकुलम प्रेजेंट, ठीक है ना, और एक्सेप्शन है ट्राइगन। अरे भाई देखो, ध्यान सुनना, ठीक है ना, रेस, जो रेस होती हैं और शार्क होती हैं, ये होती हैं क्या, कार्टिलेजिनस फिशेस। रे और शार्क क्या होती है, कार्टिलेजिनस, और कार्टिलेजिनस फिशेस में कभी भी क्या नहीं पाया जाता, ऑपरकुलम नहीं पाया जाता, ये इन्होंने एकदम सही किया। ये तीनों गलत है, क्यों गलत है समझ में आया, ये इन्होंने लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फिर लिखा प्रोटेस्टा में अब्सेंट होती है, नहीं, तीनों में पाई जाती है, इसलिए ये गलत है। होम्योथर्म, इन्होंने यहाँ पर रेप्टाइल केवल होना चाहिए था, मैमल को भी कर लिया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ फिशेस होना चाहिए था, इन्होंने किसको किया, स्नेक को, इसलिए ये बिल्कुल सही। ठीक है ना, लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, बताओ, राइजोपस, फाइकोमाइस्टिस, अरे क्लास होती है ना फंगस में, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस और ड्यूट्रो, उन्हीं को एग्जाम मेंबर्स को पहचानना है, तो राइजोपस, फाइको का, एगेरिकस, बेसिडियो का, अब इसके आगे हमें पता नहीं है, ठीक है ना, पता है फिर भी, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइस्टिस का है, ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रोमाइस्टिस का है, लेकिन अरे न्यूरोस्पोरा एस्को का है और ये ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रो का है, लेकिन हमें ऑप्शन दो ही चेक करना चाहते हैं, बताओ, ए का सेकंड, बी का थर्ड, बस हो गया। अगला बताओ भाई, इन द मिडिल ऑफ, ये फालतू का था, ठीक है ना, ये कह रहे थे पहले के जमाने में, ठीक है ना, 20th सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि बात है 1950, ठीक है ना, 20वीं सदी है, 19 के बाद 1901 क्या है, 1900 तक 19वीं सदी, और जैसे ही 1901 हो गया, क्या हो गया, 20वीं सदी, समझ गए कि नहीं, 2022 में तो कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21वीं, 2000 जब था तब 20वीं था, 2001 जैसे ही हुआ 21वीं आ गई, कि 1900 के बाद कौन सी आ जाएगी, 20वीं, तो मिड की बात कर रहे हैं, तो 1950 की बात है, जब अपना देश आजाद हो रहा होगा, ठीक है ना, तो उस टाइम कह रहे जब मच्छर पैदा होते थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में DDT का यूज सबसे ज्यादा किया गया, तो अरे जहाँ सैनिक रहते हैं, सैनिक क्या वहाँ 5-स्टार होटल में रहेंगे, जहाँ लड़ रहे हैं तो वहाँ जंगल ही होगा, वहीं रहेंगे, तो वहाँ मच्छर लगेंगे रात में, तो क्या करते थे वो, ठीक है ना, DDT का छिड़काव कर देते, तो मच्छर खत्म हो जाते थे। फिर बाद में बड़ा चिंता का विषय बना कि ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, DDT एक बार एनवायरनमेंट में आ जाए तो ये खत्म ही नहीं होता है, तो परसिस्ट करता, फिर इसको, ठीक है ना, उठाया गया और बैन कर दिया गया, तो बोल रहे हैं कि रोज मच्छरों पर डालते थे, ठीक है ना, एक बच्चा है छोटा, शैतानी करता है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, एक पहले दिन शैतानी करता है समझाया जाता, दूसरे दिन कंटा मार दिया, तीसरे दिन शैतानी करता, एक नहीं अब दो मारे जाते, ऐसे रोज शैतानी कर रहा है और उसका डोज बढ़ता चला जा रहा है, एक दिन मर्डर करके आ जाए, कहेगा मारी तो पड़ेगी और इससे ज्यादा क्या होगा, तो क्या आ जाएगी उसके अंदर, रेजिस्टेंस पावर, इसीलिए आज की डेट में मॉर्टिन लगाओ तो मच्छर उसी के ऊपर नाचता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर अंदर धीरे धीरे क्या आ गई है, रेजिस्टेंट पावर, मतलब क्या हो गया उसका, नेचुरल सिलेक्शन, समझ गए कि नहीं, यही कहानी लिखी है, तो भाई DDT से अप्रभावी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंट हो गए, तो बस भाई है नेचुरल सिलेक्शन। चलो भाई, दो स्टेटमेंट दिए गए, आंसर आपको पहले से ही पता होगा नहीं बेटा, इसमें उल्टा है, ठीक है, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, गलत है या सही, सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट होते, हाँ तो भाई तो पूछ रहे, तो ये गलत हो गया कि नहीं, अब यहाँ लिखा ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर, सेकंड सही है, तो सेकंड इज करेक्ट और फर्स्ट इज रॉन्ग, इसमें उल्टा हो गया, फोर्थ वाला। चल अगला, RNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, बता दो ये क्वेश्चन, नहीं तो नाक कट गई तुम्हारी, RNA तो वायरस
हाँ तो वायरस कौन सा है? वायरस वहाँ तो, हाँ टोबैको मोज़ेक वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसमें, ठीक है ना, हो गया। अगला, मैमेलियन टीथ आर थीकोडोंट होते हैं क्योंकि जबड़े के सॉकेट के अंदर धंसे होते हैं, डाइफाइडेंट होते हैं बिल्कुल दो बार निकलते हैं दांत, एट्रोडोंट अलग अलग होते हैं, तो ए सी डी तो यह ऑप्शन, वेरी गुड, ए सी डी। और कुछ है अभी? ठीक है ना, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स वन करेक्टर विदाउट ए सिंगल एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए और मैच होना चाहिए करेक्ट, ये पूछ रहे हैं। तो मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, सही हो सकता है, अभी इसको रख देते हैं ठीक है अलग से, क्योंकि जो प्रोटोथीरिया के मेंबर होते हैं मेमल्स में वो एग लेइंग भी करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो तीनों गलत हैं तब ये सही हो जाएगा, लेकिन इससे और करेक्ट कोई लिखा है तब ये भी गलत की श्रेणी में चला है। आपको ऑप्शन चारों सही मिल सकते हैं और चारों गलत मिल, तब आपको अगर सही चूज करना है तो चारों सही है तो जो ज्यादा सही है वो करेक्ट होगा, चारों गलत है तो जो सबसे कम गलत है वो सही होगा, ठीक है ना। हाँ ये भी बता दे रहे, एक्सपीरियंस से आता है सर। अभी हमने इसको रख दिया, रेप्टिलिया पजेस थ्री चैम्बर हार्ट विद वन इनकम्प्लीट डिवाइडेड, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन कह रहा कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल फोर चैम्बर, इसका एक्सेप्शन क्या हो गया प्रोटो थेरिया, और इसका एक्सेप्शन हो गया क्रोकोडाइल एली गेटर, तो ये दोनों तो सही हो गए, गलत नहीं हो, सही नहीं हो। एम्फीबियन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, कॉन्ड्रिक्थीस कार्टिलेजन, एम्फीबिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एम्फीबियन के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जैसे हम बात करें सेलामेंडर, तो सेलामेंडर क्या करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन हो सकता है, तो ये भी, लेकिन कॉन्ड्रिक्थीस में कोई भी ऐसी मछली नहीं है जिसका, ठीक है ना, एंडोस्केल्टन कार्टिलेजनस के अलावा किसी और का बना होता है, तो ये पूरी तरह से सही, ठीक है ना। इक्टियोफिश भी आता है एम्फीबिया में जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, समझ गए क्या? चलो